खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस टीम ने मंगलवार की दोपहर जोरा रोड के प्रेमनगर में मिलावटी मावा व घी बनाने का प्लांट पकड़ा है। यहां भारी मात्रा में मिलावटी घी पनीर जब्त हुआ है। इसके अलावा मिलावट में उपयोग होने वाला रिफाइंड ऑयल व वनस्पति भी मिला है। मंगलवार की दोपहर खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार जैन और सिविल लाइन SI सपना जैन की अगुवाई में टीम शहर के वार्ड 47 स्थित प्रेमनगर में सुमन डेयरी पर छापा मारने पहुंची। सुमन डेयरी मेन रोड पर एक छोटी सी दुकान में चल रही थी, जहां से 50 मीटर दूर डेयरी संचालक मान से पुत्र टीकाराम सुमन के घर में मिलावटी पनीर घी बनाने की भट्टिया चल रही थी। यहां दूध की क्रीम निकालकर सेपरेटर दूध में वनस्पति व रिफाइंड ऑयल मिलाकर घी बन रहा था। मौके पर 350 किलो बना हुआ घी कमरों में बड़े बड़े डब्बों में भरकर रखा था। इसके अलावा सेपरेटर दूध में रिफाइंड ऑयल मिलाकर पनीर बनाने की भट्टी भी चलती मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को यहां 70 किलो पनीर, 250 लीटर सेपरेटर का दूध, 20 किलो रिफाइंड ऑयल व 10 किलो वनस्पति मिला है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सैंपल लेकर मिलावटखोर मानसिंह सुमन के खिलाफ FIR कराने की तैयारी कर ली है। सूचना मिल रही थी कि इस एरिया में एक डेयरी चल रही है, तो इस पर हम लोगों ने पुलिस का सहयोग लेकर के और मैडम का सहयोग लेकर के यहाँ पे अपन छापामार के लिए आए थे। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पनीर का निर्माण हो रहा है और लगभग 70 किलोग्राम पनीर यहाँ पे पाया गया बना हुआ और लगभग 250 लीटर दूध के लगभग है और रिफाइंड भी पाया गया है, वनस्पति भी पाया गया है और घी भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। अब वो काला ऑयल है, पर वो बल्ला की वनस्पति ऑयल को ही हमने गर्म करके उसको रखा हुआ है। लगभग घी की मात्रा घी लगभग 350 किलोग्राम के लगभग घी है यहाँ पे और 250 किलोग्राम के लगभग दूध है और रिफाइंड भी लगभग मान के चलो 20 जैसे कोई पाउडर वगैरह कुछ मिला है बनाने के लिए? ना, पाउडर तो नहीं मिला है, शायद कहीं रखे हो, चुपके लाता हो, डाल के चला जाता हो, इसका उस मौके पे तो नहीं पाया गया है और संभावना ऐसी ही पाउडर मिलाता होगा, बिना पाउडर के बन नहीं सकता हो। हाँ, जो नहीं जो जो वैसे माल होंगे जैसे पनीर है उसको रिस्टोर कराया जाएगा और घी वगैरह जो नष्ट नहीं होता है तो इसको जब्ती कर दी जाएगी। इसकी मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।